औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में सेल्स का सेक्शन कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एसेट्स के पोर्शन को कवर करेंगे। एसेट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? Property or things having some value owned by the business is called assets. We can say that all those resources utilized in future are called assets. Dear students, property or things, ashya ya jayadad having some value, jinki kuch na kuch keemat ho, owned by the business, karobar ki malkiyat ho, is called assets, उन्हें assets का नाम देते हैं। अब यहां पर हमारी दो चीजें हमने बयान की, एक having some value और दूसरा owned by the business। अब having some value का मतलब क्या है? याद रखें कि जो asset है उसकी कीमत कभी भी जीरो नहीं होती। आप एक asset purchase करते हैं और उसको पूरी लाइफ इस्तेमाल करते हैं, वो नाकारा भी हो जाए लेकिन आप अगर तब भी उसको सेल करेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ रकम मिलेगी, वसूल होगी, वो उसकी क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं हैविंग सम वैल्यू। दूसरा, जब वो एसेट आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर किसी शख्स का नाम नहीं लिखा जाएगा बल्कि उस कारोबार का नाम लिखा जाएगा जिस कारोबार के लिए वो उस एसेट को परचेज किया जा रहा है, तो वो उस बिजनेस की क्या की जाएगी, मलकियत कहलाएगी। इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी और थिंग्स, अशिया या जायदाद हैविंग सम वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वो तमाम रिसोर्सेस जिनको हमने मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना है उन्हें भी हम एसेट्स कहेंगे। अंडरस्टूड बात है, हम जो प्रॉपर्टी या जो है वो थिंग्स परचेज कर रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं, उसका मकसद क्या है, मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना, मुस्तकबिल में आमदनी पैदा करना। तो जो भी एसेट बिजनेस के लिए खरीदे जाएंगे उनका मकसद क्या होगा, अर्निंग इनकम, जनरेटिंग इनकम फॉर द बिजनेस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर वन, करंट एसेट्स, ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स। For example, cash, bank account receivable, inventory, etc. Dear students, assets हमारे चार किस्म के हैं, जिसमें पहली जो टाइप है वो हमारी करंट एसेट्स है। वो तमाम असासाजात जो कैश की हालत में हो या बासानी कैश में तब्दील हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स का नाम देते हैं। जैसे आपकी कैश है, बैंक है, यानी बैंक से मुराद क्या है कि वो रकम जो कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ी है, इसका नाम हम बैंक का नाम देते हैं, या कैश एट बैंक भी कहते हैं इसे। अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंटरीज हैं, ये वो तमाम असासाजात हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स का नाम देते हैं। याद रखिए, जो करंट एसेट्स होते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए भी खरीदे जा सकते हैं। जैसे इन्वेंटरी, आपकी जितनी इन्वेंटरी साल के अंदर इस्तेमाल हुई आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जो बच गई आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स का मकसद आपका क्या है, वो रीसेल भी हो सकता है अगर वो बच जाए तो। दूसरी जो टाइप है आपकी, ऑल दोज एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, ऑल दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ earning income other than his business are called non-current assets, for example investment। वो तमाम असासाजात जो किसी भी business के अंदर खरीदे जाएं, रखे जाएं, किस मकसद के लिए, अपनी business की income कमाने के अलावा किसी और जरिए से आमदनी कमाने के गर्ज से जो assets रखे जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, non-current assets कहते हैं। Let me explain कि हम जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो हमारी अपनी सरमायाकारी, उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं।
लेकिन जब आप अपने बिजनेस के अलावा किसी दूसरी जगह पर पैसा लगाएंगे तो वो आपका कैपिटल नहीं कहलाएगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो एक इनकम तो वह जो कि आपके अपनी बिजनेस से जनरेट हो रही है, एक इनकम वो है जो कि आप अपने बिजनेस के अलावा किसी दूसरी जगह से अर्न कर रहे हैं, तो वहां से जो अर्निंग हो रही है उधर जो आपने पैसा लगाया वो आपका क्या होगा, वो आपका नॉन करंट एसेट होगा। इसलिए इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट का नाम लिखा। फिक्स्ड एसेट्स ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इनकम, दीज एसेट्स आर परमानेंट इन नेचर, दीज आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बिल्डिंग एक्सेट्रा। वो तमाम असासाजात जो बिजनेस के अंदर आमदनी पैदा करने की गर्ज से खरीदे जाएं और वो परमानेंट नेचर के हों और उनका मकसद रीसेल करना ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट का नाम देते हैं। उन्हें हम क्या नाम देंगे, फिक्स्ड एसेट। याद रखें जो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स खरीदे जाते हैं उनका बुनियादी मकसद क्या होता है कि वो बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करके दें, बिजनेस के ऑपरेशन में बिजनेस की मदद करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का नाम। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग कभी भी मैं बेचने की गर्ज से नहीं खरीदूंगा, बल्कि उसका मकसद क्या होगा कि उसको इस्तेमाल करके आमदनी पैदा की जाए। फर्नीचर का मकसद बेचना नहीं है, फर्नीचर का मकसद उससे इनकम जनरेट करना है अगर मेरा किसी और टाइप का बिजनेस है। तो फिक्स्ड एसेट्स का बुनियादी मकसद क्या है, आमदनी पैदा करना है, ये परमानेंट नेचर होगी। परमानेंट नेचर से मुराद क्या है कि जो फर्नीचर है वो फर्नीचर ही रहेगा, जो लैंड है वो लैंड ही रहेगी, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ही रहेगी, उसकी नेचर आप तब्दील नहीं कर सकते। टेबल टेबल ही रहेगी, वो सोफा नहीं बन सकता, वो चेयर नहीं बन सकती, इसलिए इनकी जो नेचर होती है वो परमानेंट नेचर कहलाती है। दूसरा, बिल्डिंग एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, और ये हैवी इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती। जब आप ये चीजें परचेस करते हैं उस वक्त उसकी परचेस प्राइस और होती है, जब आप उनको सेल करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त उसकी कीमत कुछ और ली जाती है। तो इसलिए इनको हम जो है वो कभी भी वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते। नेक्स्ट टाइप है हमारी बेटा इनटेंजिबल एसेट्स। All those assets which are not seen or touched, only felt them, these assets have no physical existence but plays a vital role in the business operation, for example goodwill, copyright, trademark, etc. वो तमाम असासाजात जो किसी भी बिजनेस के अंदर जो है वो आमदनी पैदा करें लेकिन उनको ना देखा जा सकता हो, ना छुआ जा सकता हो, सिर्फ महसूस किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन फिर भी वो बिजनेस के ऑपरेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं और बिजनेस की इनकम का हिस्सा बनते हैं। तो जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनको देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे हमारी जो पेप्सी है उसका लोगो, ट्रेडमार्क जिसे हम कहते हैं, कॉपीराइट आपकी किताब में लिखे हुए अल्फाज कॉपीराइट है, गुडविल बिजनेस के रेप्यूटेशन गुडविल है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लिखना ये इंटेंजिबल है, उसने प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखी, किस तरीके से उसने मेडिसिन को जो है वो प्रेस्क्राइब किया कि इससे पेशेंट की जो तबीयत है वो ठीक होगी, ये इंटेंजिबल है। आप उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ जब आप वो मेडिसिन यूज करेंगे तो आपकी तबीयत से पता फील होगा कि आपको आराम आया या नहीं आया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स जो है उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि जो आपके फिक्स एसेट्स हैं उनको हम टेंजिबल एसेट्स ही कहते हैं। क्यों? इनको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। ये जो बोर्ड मार्कर है ये आपका टेंजिबल है, इसको मैं देख रहा हूं, इसको मैं छू रहा हूं, और अगर ये किसी को पड़े तो इससे जो है वो फेल भी करेगा, उसको इससे तकलीफ भी होगी। तो इसलिए जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो टेंजिबल नेचर के होते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल एसेट्स जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एसेट्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑनर्स इक्विटी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई बात मेरी समझना है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग के अलावा भी अगर आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक समझना चाहें या कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लाइक करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।